सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग करेंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कि यदि आपके पास एक लॉन्ग करेंट कैरिंग कॉइल हो, ठीक है, एक सोलेनाइड फॉर्म हो, उसके लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। या अपन बोल सकते हैं कि एक लंबी परिनालिका, एक लंबी परिनालिका के लिए, परिनालिका के लिए 100 प्रतिशत की गणना करना, 100 प्रतिशत की गणना करना की गणना करना ठीक, इस पे अपन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन। अब सोलेनोइड क्या है आपका? एक लॉन्ग कॉइल टाइप से समझ लीजिए, या आप देख सकते हैं कि यदि कोई आपके पास होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है लंबा सा, ठीक है, कि कोई बेलनाकार है, खोखला बेलनाकार, उसके ऊपर आपने यदि लपेटे ले लिए गए, टर्न्स ले लिए गए, तो एक लॉन्ग कॉइल के जैसा वीएफ, मतलब एक लॉन्ग कॉइल टाइप से आपने बना दिया है, तो वो सोलेनाइड जैसा वीएफ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि सोलेनाइड की जो लेंथ है ना, सोलेनाइड की यदि लेंथ मैं कैसे शो कर रही हूँ, एल से शो कर रही हूँ, कि मेरे पास सोलेनाइड की लेंथ क्या है, मेरे पास एल है। ठीक है, एक लंबी परिनालिका की लंबाई एल है, इसका रेडियस यदि मैं सपोज कर लूँ आर है। ठीक है, एरिया मेरे पास क्या है, ए है, इसमें से आई करेंट यदि क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और लेंथ इज ग्रेटर देन आर, मतलब जो सोलेनाइड का जो परिनालिका की लंबाई है एल, वो आर से क्या है, उसकी रेडियस से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो सबसे पहले इसके नोटेशंस अपन देख लेते हैं। ठीक है, कि एरिया को आप कैसे सपोज कर रहे हैं, एरिया को आप कैसे सपोज कर रहे हैं, ए से। ठीक है, लेंथ आपका क्या हो जाएगा, सोलेनाइड का लेंथ आप कैसे शो कर रहे हैं, एल से। ठीक है, रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोइंग करेंट, फ्लोइंग करेंट आपके पास क्या हो जाएगा, आई हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, टोटल टर्न्स कितने हुए, टोटल टर्न्स यहाँ पे देखिएगा, टोटल टर्न्स कैपिटल एन कैसे शो करना है, कैपिटल एन इक्वल्स टू, अब लेंथ में, ठीक है, सोलेनाइड की जितनी भी लेंथ है, जितनी बड़ी भी आपका सोलेनाइड है, उसमें कितने टर्न्स हैं, सपोज एन टर्न्स हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं, एन इंटू एल। ठीक है, एन इंटू एल, और यदि पर यूनिट लेंथ अपन निकालें, एकांक लंबाई में यदि आप निकालते हैं, पर यूनिट लेंथ यदि आप निकालते हैं, तो आप लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल, या पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, अब यदि सोलेनाइड का जो लेंथ है एल, वो रेडियस से क्या है, ग्रेटर है, तो आप लिख रहे हैं कि एल इज ग्रेटर देन आर, तब आप क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा, यदि करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा लॉन्ग सोलेनाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड अ सोलेनाइड, क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को आप कैसे शो कर सकते हैं, बी से अपन शो करें, बी इक्वल्स टू, ठीक है, वी इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसका फार्मूला था जब अपन ने मैग्नेट वाला यूनिट किया था, तो अपन ने लॉन्ग सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाला था, तो वी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई।
म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, या फिर आप यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, यदि पर यूनिट लेंथ के हिसाब से दे रहे हैं आप तो एन एल इंटू आई, ठीक। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक लंबी परिनालिका के अंदर, वी इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई के लिए यदि आप निकाल रहे हैं तो म्यू नॉट उसको आपने लिख दिया, स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा आप, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकल गया, अब क्या चाहिए आपको, फ्लक्स का चाहिए आपको, फाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। फाई की वैल्यू आप कैसे देते हैं, फ्लक्स का फाई इक्वल्स टू आप लिखते हैं, देखिएगा आपको यदि फर्स्ट उसमें आपको यदि ध्यान हो, जब अपन ने सर्कुलर कॉइल के लिए किया था, नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है। बी आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए आपका क्या हो गया, एरिया, ठीक। तो एन बी ए, ठीक है, अपन ने उसमें भी जब आपने सर्कुलर कॉइल के लिए किया था, वृत्ताकार कुंडली के लिए किया था, तब भी अपन ने इसका फॉर्मूला यूज़ किया था। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं, देखिएगा एन एज इट इज़ रखा मैंने, ठीक है, वी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, ठीक है, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा मैं यहीं पे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको, ठीक है, यहीं पे मैंने सॉल्व करके बता देती हूँ इसको। आप लिख रहे हैं देखिएगा प्लस फाइव इक्वल्स टू अरेंज कर लें अपन, ठीक है, यहाँ पे एरिया ए भी आएगा, ठीक है, एरिया ए आपका आएगा, ठीक। सब वैल्यूज पुट हो गई हैं, एन एज इट इज़ है आपका, वी की वैल्यू आपने पुट कर दिया है, एरिया ए, ठीक है। अब देखिएगा फाइव इक्वल्स टू एन, ठीक है, अब आपके पास अरेंज कर लेते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर, पहले मैं म्यू नॉट लिख लेती हूँ, म्यू नॉट एन और एन, एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, उसके बाद क्या बच रहा है बेटा अपना, आई आई ए अपॉन आपका क्या हो जाएगा, एल, ठीक है, आई ए अपॉन आपका क्या हो गया, एल, ठीक। अब ये आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए, ठीक है, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए, तो एल इक्वल्स टू आपके पास होता है फाई अपॉन आई, ठीक है, जैसा आपने काय में किया था सर्कुलर कॉइल के लिए किया था, उसी तरह से एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। अब आपके पास क्या है, फाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, म्यू नॉट हो गया एन स्क्वायर, ठीक है, एरिया ए करेंट आई अपॉन एल, ठीक है, और क्या आ रहा है आपके पास, आई, आई से मेरा क्या हो गया, आई कैंसिल हो गया, ठीक है, आई से मेरा आई कैंसिल हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, देखिएगा म्यू नॉट मेरे पास आ रहा है, देखिएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है, इसका यूनिट में क्या लिख सकती हूँ, इसका यूनिट क्या लिख सकती हूँ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, हेनरी लिख सकती हूँ, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है आपका कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या होता है, ठीक है, तो आपके जो भी इसका है सी जी एस यूनिट एस आई यूनिट सब आपको यहाँ पे लर्न होना चाहिए, ठीक। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक। अब इस ये सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं यहाँ पर आपके, ठीक है, यहीं से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है, कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब यदि आप एल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे,
एल की वैल्यू को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ टर्न्स यदि आप इंक्रीज करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एरिया ए को आप इंक्रीज करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। और यदि आप म्यू नॉट, मतलब यदि आप क्या कर रहे हैं सोलेनाइड में आप सॉफ्ट आयरन का यदि आप यूज़ करते हैं तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स भी आपको देना है, ठीक है, और अफेक्टिंग फैक्टर्स को लेके भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक, पूरा उसका थ्योरी लिखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे बुक की हेल्प से। यहाँ पे मैंने आपको नोटेशंस बता दिए हैं सिंपल, ठीक है। तो जो भी इसके बीच में आपको लिखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो आप आपके बुक से ले सकते हैं, ठीक। चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। थैंक यू बेटा।